अक्सर हम सभी के कानों में खुजली होती है। अगर ये कभी कभी हो तो ये सामान्य बात है, पर अगर आपको आपके कानों में बार बार खुजली होती है तब ये परेशानी का विषय है। और कानों में खुजली होने की वजह से आप बार बार कानों में उंगली डाल के भी अपनी खुजली को शांत करते होंगे, जो कि पब्लिकली शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। और कई बार अत्यधिक खुजली होने की वजह से खतरनाक चीज़ों जैसे माचिस की तिल्ली, पेन, चाबी आदि से भी अपनी खुजली को शांत करने की कोशिश करते हैं, जिससे कानों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि क्यों होती है कानों में खुजली। कानों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर कानों की स्किन ड्राई हो जाए तो इससे आपको कानों में खुजली की समस्या हो सकती है। और छोटे फाइबर्स कानों के बाहर की परत बनाते हैं, उनमें भी सेंसिटिविटी बढ़ने से कानों की खुजली की समस्या हो जाती है। अब आगे आपको हम बता रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिससे आपकी कानों की खुजली से छुटकारा मिल जाएगा। कानों की खुजली में एलोवेरा सहायक है। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कानों के सूखेपन और खुजली को दूर करते हैं। इसके लिए कानों में एलोवेरा जेल की 2-3 बूंद डाल के अपना सिर झुका लें, जिससे एलोवेरा जेल अच्छे से आपके कानों के अंदर चला जाए। कानों में खुजली की समस्या से निजात पाने के लिए आप कानों में तेल भी डाल सकते हैं, जैसे नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा लहसुन में एंटीबायोटिक और दर्द से राहत दिलाने वाले गुण मौजूद होते हैं। आप गरम जैतून या तिल के तेल में 1 कली लहसुन को काट कर डालें, फिर लहसुन को निकाल कर तेल को कान के बाहरी हिस्से पर लगाएं। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। अगर आपके कानों में भी खुजली होती है और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है तो आप भी इन उपायों को अपनाकर अपने कानों की खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। क्यूरेन आयुर्वेदा से आरती की रिपोर्ट।